वेलकम बैक गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नए स्कॉलरशिप के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 8 में हो, 10th में हो, 12th में हो, डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या ITI कर रहे हो, तब भी आप ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। ओके, चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक ये विद्या सरस्वती की तरफ से कॉरपोरेट स्कॉलरशिप है और ये फ्री है, आपको ऐसा कोई चार्जेस नहीं रहते। कॉरपोरेट स्कॉलरशिप में चार्जेस वगैरह रहते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, बट इनके तरफ से यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। ओके, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये बहुत अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, एक स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। ओके, तो आपको ए ऐसा नहीं कि मतलब आप डिप्लोमा में हो, डिग्री में हो या फिर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोई से भी। तो सबसे पहले आना है आपको और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा सर्च एंड अप्लाई स्कीम में। तो मैंने अभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है, तो इसलिए मुझे खाली पोस्ट ग्रेजुएशन ही स्कॉलरशिप दिख रही है। अगर आप क्लास 8 में हो, 10th में हो, तो आप उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करके, मैं भी वो भी बताऊँगा किस तरह से करते हैं। हाँ, तो मैं वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा कि कौन सी स्कॉलरशिप में आप अलग अलग से अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत सारी स्कॉलरशिप है यहाँ पर, आपको खाली प्रॉपर प्रोफाइल अपडेट करना है बस। ओके, तो सबसे पहले एक ये है अरविंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप, और एस्ट्रल है, और कॉकरेंट करके बायोटेक है। तो ये तीन स्कॉलरशिप है, मैंने अभी पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हूँ इसलिए आ रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद इनका डिस्क्रिप्शन है, क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 50% इन क्लास 10 एंड 12th में, दो में होना चाहिए, कोर्स लेवल अंडर ग्रेजुएशन, और कोर्स नेम एनी कोर्स होना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर खाली आपको डालना है। ऑल जेंडर के लिए, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, मतलब फीमेल एंड मेल के लिए अलग अलग रहेगा, दोनों के लिए। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, और एंड डेट इसका काफ़ी लेस दिया हुआ है, 10 तारीख तक का ही दिया हुआ है। हाँ, वैलिड अप टू, ओके, स्टार्ट डेट काफ़ी पहले हो गया था, एक महीने पहले। ओके, और जो अमाउंट रहेगा वो कुछ इतना अमाउंट रहेगा। और माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर रहेगा, सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी है। और तो इतना कुछ नहीं है। हाँ, ये आपको डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस, 10th 12th के मार्क्स, प्रीवियस इनकम मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, स्टूडेंट बैंक पासबुक, करंट ईयर कॉलेज फीस, हाँ, फीस स्ट्रक्चर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीज़ें रिक्वायर है। ओके, और इस सब में कुछ है नहीं। नूरपुल एक कॉन्टेक्ट पर्सन है, नूरपुल दावी करके। ओके, ये एक स्कॉलरशिप है, और एक एस्ट्रल का देख लेते हैं, ये भी अच्छी स्कॉलरशिप होती है। दो स्कॉलरशिप देख लेते हैं, फिर आपको मैं फॉर्म बताऊंगा किस तरह से फिलअप करते हैं। ओके, तो ये भी सेम है, और इसकी डेट 31 जैन तक है, अभी इसकी काफ़ी डेट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड है, पूरा मंथ है मतलब। ओके, और इसमें भी सेम है, और क्या है, वेदर कंपलसरी हैव द बैंक अकाउंट, यस, एनी प्रेफरेंस अवेलेबल पार्टिसिपेंट कास्टर, नो। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। और ये है राजस्थान एंड महाराष्ट्र, हाँ, ये इसमें थोड़ा सा एक है, एक चीज़ है, अगर आप ये सब लोकेशन से अगर हो तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप ये लोकेशन से दिया हुआ है और आप वो लोकेशन से हो तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है, आपकी सिलेक्ट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओके, फिर सेम है ID प्रूफ एंड ऑल। ओके, फिर आते हैं, मैं आपको अप्लाई करते उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉर्म किस तरह फिलअप करना है। ओके, आपको आना है सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है, मतलब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये प्लीज़ फिलअप प्रोफाइल फर्स्ट आ जाएगा। तो फिलअप प्रोफाइल में उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप जीमेल से भी कर सकते हो। ओके, जैसे हो जाएगा आपका,
आने के बाद आपको ये ऐसा कुछ कंप्लीट प्रोफाइल करना पड़ेगा प्रॉपर। आपको अपना स्टूडेंट डिटेल डालना पड़ेगा, करंट एकेडमिक ईयर डालना पड़ेगा, और अकाउंट नंबर बैंक का जो भी है, और एजुकेशन डिटेल। ओके, मैंने यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला था अभी अंडर ग्रेजुएशन डाला हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन की ही स्कॉलरशिप मुझे यहाँ पर शो हो रही है। हाँ, अगर आप यहाँ पर जैसे ही चेंज करोगे, जैसे आप अपने जैसे भी करंट एकेडमिक में हो, 10th 12th में हो या फिर जो भी हो, यहाँ पर सारी चीज़ें दिया हो PhD ITI में, जब कोई से भी हो, तो आप उसके हिसाब से अगर सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसके लिए अप्लाई करोगे। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, हाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और फॉर्म फिलअप आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें फिलअप करना है आपको। आप जब तक फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, जब तक आपको ये चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, जब तक आप पूरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करोगे 90% से ज़्यादा, जब तक आपको ये देखने नहीं मिलेगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है और आपको अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।